ताज़े फल और सब्जियों से बच्चों में कुपोषण दूर होता है, बच्चों को सूक्ष्म पोषक मिलेंगे। यह बात बीईओ दिलीप करपे ने माकड़खेड़ा के स्कूल न्यूट्रिशियन गार्डन के उद्घाटन में कही। बीआरसी श्रीकृष्ण शर्मा ने कहा कि मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा शालाओं में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए स्कूल न्यूट्रिशियन गार्डन बनाए जाने के लिए कहा गया है। इसमें बच्चों को ताज़ी सब्जियां मध्यान्ह भोजन में दी जाएगी। जनपद शिक्षा केंद्र के बीएससी मुकेश यादव ने बताया कि स्कूली छात्रों को प्रकृति और बागवानी का अनुभव होगा। ताज़ी जैविक सब्जियों से बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होगा। मुख्य अतिथि सरपंच नारायण वर्मा, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा ने गार्डन का उद्घाटन किया। इस कार्य में जन शिक्षक परमानंद पठौते, प्रवीण कुशवाहा ने कहा कि माकड़खेड़ा के प्रधान पाठक दिलीप कुमार दुबे और स्टाफ ने मुख्यमंत्री के इस सपने को साकार किया। संचालन शिक्षिका प्रीति पाटीदार ने किया और आभार दिलीप कुमार दुबे ने माना। खसरावा से अखिल खान की रिपोर्ट। हम एक दृष्टि घुमाए तो हम देखेंगे कि वास्तव में हमारा ये सौभाग्य है कि हम एक सशक्त टीम के मार्गदर्शन में किचन गार्डन का एक कंसेप्ट है, वो ये है कि हम विद्यार्थियों को भी इससे जोड़ें। कार्यक्रम अंतर्गत न्यूट्रिशियन गार्डन की योजना के तहत मिडिल स्कूल माकड़खेड़ा का चयन हुआ और यहाँ पर SMC द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से किचन गार्डन का निर्माण किया गया है, जिसका निश्चित तौर पर विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत लाभ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आज राज्य के 2500 किचन शेड एवं 7100 किचन गार्डन का लोकार्पण किया जा रहा है। इसी योजना के तहत कसराउद विकास खंड में 16 किचन गार्डन का निर्माण किया गया है और आज हम लोकार्पण करने के लिए शासकीय माध्यमिक विद्यालय माकड़खेड़ा आए हैं। यहाँ पर प्रधान पाठक दिलीप कुमार दुबे जी और अध्यक्ष महोदय और पूरे स्टाफ ने अच्छा सहयोग करते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से किचन गार्डन तैयार किया है। इस किचन गार्डन से जो ताज़ी एवं जैविक सब्जियां होगी उनका बच्चों को लाभ मिलेगा और बच्चों को पौष्टिक आहार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।